वीडियो देखिए आप और झटपट बनाइए, 10 से 15 मिनट के अंदर बनने वाला है अंडों का प्यासा। जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं और इसके साथ गरम गरम राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल आसान भी है और मज़ेदार भी है। वीडियो देखिए और बनाइए, माशाल्लाह ज़बरदस्त है, जायकेदार है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। आज मैं बताना चाह रही हूँ अंडों का दुप्याज़ा। ये ऐसे वक्त काम आएगा आपके पास, अब कुछ भी नहीं है, चिकन मटन और कुछ भी नहीं है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप इसको 10 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं और माशाल्लाह बनाने में भी आसान है और खाने में भी जायकेदार है। इसके लिए मैं 5 अंडे ली। अंडों की क्वान्टिटी आपके हिसाब से घटा या बढ़ा सकती, तो इसको उबाल लिए और इसका छिलका निकालिए। अब इसमें इस तरह से हल्के कटान डाल लेंगे, 2 बड़ी साइज की प्याज, 2 बड़े साइज के लेमन, एक कढ़ाई ली और इसमें ऑयल डाली। ऑयल है 50 ग्राम, हाफ कप। अब इसको 4 मिनट इसको तेज फ्लेम पे फ्राई करेंगे प्याज को, 4-5 मिनट इसको तेज फ्लेम पे पकाएंगे। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून और इसमें नमक डालेंगे 2 टीस्पून, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे। अब इसमें मिर्ची डालेंगे 2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के साथ साथ डाल सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, तेज फ्लेम पे फ्राई होने देंगे ये सारी चीज़ें। पाँच छः मिनट हम इसको तेज से पकाएंगे पहले। अब तो जो नमक मिर्ची डालें उसको फ्राई होने देंगे। तेज फ्लेम पर मैं इसको 5-6 मिनट पका ली। अब क्या करेंगे, फ्लेम को धीमा कर देंगे, फ्लेम को धीमा करके इसको कवर कर देंगे। 6-7 मिनट इसको धीमे फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे। इससे क्या होता है, प्याज भी गल जाती है और प्याज का पानी भी थोड़ा सा छूटता उसमें प्याज पकती। प्याज हमारी सॉफ्ट होगी, 5-6 मिनट में इसको धीमी फ्लेम पे पकाई। प्याज को बिल्कुल गला, बहुत ज़्यादा गला के भून देना नहीं है, इसको साबित रखना है लेकिन ये गली भी रहना, इसका कच्चा पड़ा रहना। तो 5-6 मिनट में धीमी फ्लेम पर इसको पका ली। अब इसमें अंडे डाल देंगे, अंडे डालने के बाद फिर एक बार इसको अच्छा मिला लेंगे, तो अंडों का कच्चापन जो रहता स्मेल नहीं आती। इसमें मसालों में ये अंडे अच्छा बनते हैं। और 4-5 मिनट इसको धीमी फ्लेम पे पकाएंगे कवर करके। हाँ, इसमें डालेंगे 5-6 हरी मिर्ची और बीच से स्लिट करके। अब इसको 4-5 मिनट में हरी मिर्ची डाल के इसको धीमे पे छोड़ दी थी, धीमे पे अच्छा पक गया है। और ये प्याज में जो बहुत अच्छा मज़ा आता है जो धीमे पे पका है, और बस काफ़ी ज़्यादा पका के गलाने का नहीं है। और जो मैं 2 बड़े साइज के लेमन ली थी उसका रस डाल देंगे। अब ये जो रस डाले इसको फिर 5-7 मिनट इसको धीमे में पकाएंगे, तो प्याज में खट्टापन आता, टमाटर में भी खटास आती, जो प्याजा अंडे का जो प्याजा बहुत अच्छा बनता। और इसमें डालेंगे मुट्ठी भर कोथमीर यानी एक बंच दाने में, और अच्छी क्वांटिटी में डालना है, तो इससे टेस्ट और इसका फ्लेवर कोथमीर का अच्छा आता अंडे के प्याजे में। ये ऐसे वक्त आपको काम आने वाली रेसिपी है जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपके पास कुछ भी नहीं है, चिकन मटन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो झटपट आप इसको बना सकते हैं, लंच में तैयार कर सकते हैं। गरम गरम राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अभी धनिया डाल लें, धनिया मतलब कोथमीर डाल लें
इसके बाद इसको एक 5-6 मिनट धीमे फ्लेम पे छोड़ देंगे। चलिए 7-8 मिनट में इसको धीमे पे पका ली और बीच बीच में 1 से 2 बार इसको मिला ली। अंडों का दुपहजा हमारा तैयार है और फ्लेम बंद करके इसको डिश में निकालेंगे। और अंडों को उबालने के बाद फ्राई करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने डाली उससे ज़्यादा ये जो हम छील के डाले इसका टेस्ट ज़्यादा था, अंडा तल के डालने से ज़्यादा ऐसे डालने से आता तो अंडों का फ्लेवर भी इसमें आ जाता और इसका जो खटास है लेमन की वो भी आ जाती, तो इसलिए मैं इसको फ्राई नहीं करी। चलिए अंडों के दुप्याज की रेसिपी मेरी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।